कोडिंग के बारे में जानेंगे, इसके क्या बेनिफिट हैं और कैसे हम इसको सीख सकते हैं। दोस्तों, कोडिंग के चलते कंप्यूटर और लैपटॉप का बिल्कुल रूप ही बदल गया है। आप देखते हो कि नए नए डेवलपर्स जो हैं, हमेशा जो है कोडिंग के मदद को लेकर जो है नए नए सॉफ्टवेयर जो है यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि इंसानों को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है किसी खास काम को करने में। अगर कोई भी पर्सन स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स करता है तो उसको जो है कोडिंग का नॉलेज ज़रूर दिया जाता है। इसके अलावा बीसीए में, डीसीए में, पीजीडीसीए में या फिर एमसीए में भी जो है कोडिंग के बारे में सिखाया जाता है, और इसको सिखाने का जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना कोडिंग का जो है कोई भी कंप्यूटर जो है केवल हार्डवेयर के डब्बा के समान होता है। बिना कोडिंग का उसका कोई जो है ना यूज नहीं है। कोई भी कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है कंप्यूटर में कोडिंग करके जो है उस कोडिंग में मतलब कि उस सॉरी उस कंप्यूटर में जान डाल देता है, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर मानते हैं तो सॉफ्टवेयर को जो है कंप्यूटर का आत्मा मानना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है कंप्यूटर में कोडिंग जब आप करते हो तो उसके माध्यम से। कोडिंग क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाने वाले कोड को हम जो है कोडिंग कहते हैं, और कोडिंग जो है एक प्रकार से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को किसी खास काम या फिर बहुत सारे काम को परफॉर्म करने के लिए जो है तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी कंप्यूटर जो है इंसान की भाषा को नहीं समझ सकता है। पूरा जो कंप्यूटर है वो केवल जो है 0 और 1 के इंस्ट्रक्शन को ही समझ सकता है और उसके ऊपर में ही जो है काम करता है, और ये 0 और 1 को हम जो है बाइनरी कोड कहते हैं। इसके साथ ही किसी भी इंसान के लिए इतने बड़े बड़े बाइनरी कोड को याद रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न तरह के जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है निर्माण किया गया है, ठीक है, जिससे कि जो है आम इंसान जो है कंप्यूटर के भाषा को जो है समझ सके। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके वो जो है प्रोग्रामर के द्वारा जो है लिखे जाते हैं। जब भी आप जो है कोडिंग लिखते हो तो उसका खास जो है कुछ नियम होता है जिसको जो है सिंटैक्स कहा जाता है। आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन में जो भी कुछ जो है यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो सभी जो है प्रोग्रामर या डेवलपर के द्वारा जो है लिखे गए जो है कोड से जो है संभव हो पाता है, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर, सारा कुछ जो है कोडिंग से ही काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग फेसबुक के बारे में जानते हैं, तो फेसबुक में जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि यह कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये जो है पीएचपी कोड का इस्तेमाल करके जो है इसका कोडिंग किया गया है। कुछ बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि सी हो गया, C++, PHP, HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS, MySQL, .NET, रूबी, पाइथन, स्विफ्ट, SQL। ये सारे जो हैं बहुत लोकप्रिय जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अगर आप कोडिंग को सीखना चाहते हैं तो जब भी आप मैट्रिक या आईएससी पास कर लेते हैं तो जो है आपका जो लैंग्वेज चुन आपको उसके बाद लैंग्वेज चुनना होता है, तो लैंग्वेज में हमेशा जो है आप कंप्यूटर को चूज कीजिए, तभी आप जो है कोडिंग जो है आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है आपका कोडिंग वो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। अगर आप आईएससी भी पास कर गए हैं, 12वीं पास कर गए हैं, तो कहीं भी आप कंप्यूटर क्लास की कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से जो है कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एक एक डिसीजन ले लीजिए कि किस भाषा में आप जो है कोडिंग सीखना चाहते हैं। वैसे तो आप जो है एक से ज़्यादा भाषाओं में भी जो है कोडिंग सीख सकते हो, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि कौन कौन से भाषाओं में आप कोडिंग सीखना चाहते हैं। मैं तो आपको एक एडवाइस दूंगा कि जो भी जो है उस समय जो भी एडवांस मतलब कि जो भी डिमांड में हो लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में सीखना चाहिए। उससे जो है जॉब वगैरह मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ऑफलाइन कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप जो है बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कोडिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है, वहाँ पर जाके आप कोडिंग सीख सकते हो। जैसे कि आपका दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, बहुत जगह जो है बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं आपको सिखाने के लिए कोडिंग। आप चाहें तो गूगल पर भी जो है सर्च करके पता कर सकते हैं कि आपके अगल बगल में कौन सा बढ़िया कोडिंग सिखाने वाला जो है इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कोडिंग सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कोडिंग सिखाते हैं। आपको अच्छे अच्छे क्लासेस हैं जहाँ पर आपको घर बैठे बैठे कोडिंग सीखने का जो है फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पर आप फ्री में जो है यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से भी कोडिंग सीख सकते हो और आपको कोई समस्या यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। आज का जो समय है वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और जगह जगह पर जो है कोडिंग के बारे में जो है जागरूकता फैलाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है कोडिंग सीखने के लिए जो है उनके अंदर में इंटरेस्ट जग रहा है। यहाँ तक कि सरकार जो है शिक्षा नीति में भी जो है कोडिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दे रही है। कोडिंग सीखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आप कोडिंग सीख लेते हो तो आगे चलकर किसी भी बढ़िया आईटी कंपनी में प्रोग्रामर का जॉब आपको यहाँ पर मिल सकता है। दूसरा फायदा ये है कि कोडिंग सीखने से आपका जो है लॉजिकल थिंकिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो जाती है। जब आप कोडिंग सीखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है पढ़ाई में और कंसंट्रेशन भी रखना पड़ता है सीखते समय, तो इस कारण से जो है आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर भी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसके अलावा जब आप कोडिंग लिखते हैं तो आपके अंदर जो है कंस्ट्रक्टिव जो है सोच पैदा होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया अगर हम कोडिंग सीख लें तो हमको सैलरी कितना मिलेगा, कितना कमा सकते हैं। तो अगर आप कोडिंग अच्छे से सीखते हो तो एक प्रोग्रामर जॉब के अंतर्गत जो है आपको जो है एक सालाना जो है 2,40,000 रुपये तक के जो है ना कमाने का मौका मिलता है। आगे चल के जो है यह और भी बढ़ता है। तो इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा आपका सैलरी भी जो है इनकम भी जो है इसी तरह बढ़ते जाएगा। इसके अलावा सैलरी आपका डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जॉब कर रहे हो या फिर किस सिटी में जॉब कर रहे हो, तो उसके अनुसार भी जो है आपका सैलरी बढ़ या घट सकता है। इसके अलावा समय के साथ साथ अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में भी जॉब करने के लिए जाते हो तो इस दौरान जो है आपका सैलरी बढ़ता ही जाता है। धन्यवाद।